नमस्कार, आज हम आपके सामने एक बहुत बड़ी बेरोजगारी के ऊपर एक सर्वे जो सरकार करती है हर 5 साल में करती है उसके बारे में एक खुलासा करेंगे। एक अखबार आर्थिक मामलों में जो रिपोर्टिंग करते हैं वो अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड में एक रिपोर्ट आई है कि सरकारी आंकड़े ये बताते हैं बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिसे कहते हैं वो पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा देखी गई है 2017-18 में। दिसंबर 5 तारीख को जो नेशनल स्टेटिस्टिकल कमीशन है जो हिंदुस्तान के जो हर बड़े आंकड़े जो आर्थिक व्यवस्था के बारे में जो आंकड़े निकलते हैं उसको उसकी देख रेख करती है नेशनल स्टेटिस्टिकल कमीशन, उन्होंने इस बेरोजगारी पे जो सर्वे है जो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करती है जो कि सबसे बड़ा एक सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान का है, तो उन्होंने इस रिपोर्ट को क्लियर किया 5 दिसंबर को और उसके बाद 4-5 दिन में उस रिपोर्ट को पब्लिक करने का प्रॉमिस किया। मोदी सरकार ने उस रिपोर्ट को दबा लिया तो अब लोगों के समझ में ये बात आ रही है कि सरकार इस बड़े सर्वे को क्यों छुपा रही थी, क्योंकि मोदी सरकार शुरू से दावा करते हुए आ रही है कि उन्होंने बहुत रोज़गार दिए पिछले 4 साल में। उसकी दलील देते हैं और ये कहते हैं कि भाई कि मुद्रा बैंक में बड़े लोगों को लोन दिया गया है और इस तरह की जो बड़े सड़कें बन रही है उस पर लोगों को रोज़गार मिल रहा है। याद कीजिए 2014 में मोदी जी ने अपने हर भाषण में ये कहा था युवाओं को, जो 16 से 22 23 साल के जो युवा हैं और युवतियां हैं, उन्होंने कहा था कि आप लोग मुझे अपने 5 साल दीजिए, मैं आप लोगों को रोज़गार दूंगा और आप लोगों को मैं प्रॉस्परस भारत में आपको मैं बसाऊंगा। वो मोदी जी की वो बात को अगर आप ये जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के जो आंकड़े हैं जो आए हैं जो सरकार दबा रही है और जिसका खुलासा हुआ है उसमें देखें तो उस बिल्कुल विपरीत हुआ है। वो ये बताता है कि युवाओं और युवतियों में खासकर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 18% से ऊपर है, युवतियों का तो 20-22% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इस सर्वे के मुताबिक ये साफ नज़र आ रहा है कि आज की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2017-18 की बात कर रहे हैं बिल्कुल 45 साल के पीक में है और 1972-73 के बाद इतना मतलब ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं देखा गया। तो अब देखना यह है कि अब सरकार इसको पब्लिक करती है कि नहीं इस डॉक्यूमेंट को, क्योंकि एक अखबार में ये लीक हो गया है। सरकार में इस तरह के दस्तावेज डॉक्यूमेंट रहते हैं मगर सरकार अगर छुपाने की कोशिश करे तो वो छुपा नहीं पाती। इससे पहले एक और जो लेबर डिपार्टमेंट जो सेंटर के लेबर डिपार्टमेंट का एक और सर्वे था 2016-17 का अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, ये जो NSSU सर्वे मैं आपको बता रहा हूँ ये तो 2017-18 का, 16-17 का सर्वे वो भी पूरी तरह तैयार था मगर मोदी सरकार ने उसको भी दबाया, वो भी उसी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड में उसमें छप गया और उसके तहत भी ये देखा गया कि 2016-17 में भी जो बेरोजगारी जो पिछले 4-5 साल में सबसे ज़्यादा देखी गई है। 2016-17 में का सरकारी सर्वे दिखा रहा है, 2017-18 का दिखा रहा है, मगर सवाल ये है कि ये दोनों सर्वे जो हैं इसको मोदी सरकार क्यों छुपा रही है। मतलब सरकार ये कह रही है कि अपने आंकड़ों में विश्वास ना करें और कह रही है कि रोज़गार लोगों को मिल रहा है। ये आंकड़े देख के मुझे तो ये लगता है कि 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन है ये बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा और बीजेपी को सबसे बड़ी जवाबदेही ये बेरोजगारी के मामले में ही देनी पड़ेगी। धन्यवाद।